नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रॉयल टीचर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपने लोगों में देख ही लिया है कि कक्षा 5 का जो रिजल्ट है वो शाला दर्पण पर घोषित हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है, शाला दर्पण पर कक्षा 5 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। कल मैंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कि आधिकारिक वेबसाइट पर ही वीडियो, यानी आधिकारिक जो वेबसाइट है, शाला दर्पण है या इंडिया रिजल्ट है, इसी पे ही रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों, हमारी बात बिल्कुल सत्य निकली, 100%। ये देखिए उसका प्रूफ, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चैनल रॉयल टीचर, जिसमें मैंने ये कल ही एक वीडियो जारी किया था जिसमें बताया था कक्षा 5 का रिजल्ट कहाँ और कौन सी साइट पर है, यानी कहीं पर भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ था। आधिकारिक साइट का मैंने बताया था कि शाला दर्पण पर ही होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताएंगे कि शाला दर्पण पे ही कक्षा 5 का रिजल्ट है और वो आपको किस प्रकार देखना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। रिजल्ट को देखने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ेगी, क्या क्या हमें जरूरत होगी, इन्हीं सब बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और जानते हैं शाला दर्पण पर कक्षा 5 का रिजल्ट किस प्रकार देखा जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एक और बात, अगर आपने हमारा चैनल आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे मोस्टली बेनिफिट आपको ये रहेगा कि आगे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन बार में उपलब्ध हो जाएगी। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और जानते हैं कक्षा 5 का रिजल्ट। इसके लिए दोस्तों, सबसे पहले हम जाएंगे गूगल क्रोम में और यहाँ जाकर टाइप करेंगे राज रमसा। ये देखिए दोस्तों, हमने टाइप कर दिया है राज रमसा ऊपर, तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमारे सामने खुल जाएगा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। यहाँ पे क्लिक करना है आपको, मैं भी आपको करके दिखा। जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। यहाँ देखिए, ये साइड में ही शाला दर्पण पे इस होम पेज पे लिखा है प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर 5th मूल्यांकन रिजल्ट, यहीं पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, आधिकारिक वेबसाइट पे ही ये रिजल्ट जारी हुआ है, जैसा कि कल मैंने वीडियो में भी बताया था कि आधिकारिक वेबसाइट पर ही जारी होगा। तो ये देख लीजिए कि 5वीं का जो रिजल्ट है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो आपके सामने दोस्तों इस तरह का पेज ओपन होगा। यहाँ आपको सबसे पहले बच्चे का रोल नंबर डालना है, नीचे उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और नीचे सर्च ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ नीचे देखना, ये नीचे और घुमाओ, सबसे पहले तो आपको बच्चे का नाम, उसका फादर और यानी गार्जियन नेम नजर आ जाएगा। आपको इसी पेज को लेफ्ट की साइड में घुमाना है थोड़ा, और लेफ्ट की साइड में घुमाते ही आपके सामने एक्शन में ये व्यू का बटन आएगा। यहाँ देख लीजिए, ये मेरा कर्सर जा रहा है व्यू का बटन, इस व्यू के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने प्राथमिक शिक्षा अधिगम मूल्यांकन स्तर का ये बालक की वेब जो मार्कशीट है ये ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको सभी तरह से हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, ये भी जो भी विषय है और उसका औसत ग्रेड है, ग्रेड क्या है, कला शिक्षा कार्य, सभी के ग्रेड आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। ये देख लीजिए, मैं आपको ग्रेड दिखा देता हूँ, समेकित ग्रेड, सैद्धांतिक प्लस 17 के आधार पर ये ग्रेड दिए हुए हैं। आप इनको देख सक, ऊपर से प्रिंट भी कर सकते हैं, और यहाँ प्रिंट का ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आज हमने सीखा कक्षा 5 का रिजल्ट किस प्रकार डाउनलोड करना है।